हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस? आई होप गाइस ऑल आर डूइंग गुड। एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे रिफ्लेक्स के बारे में। और रिफ्लेक्सेस क्या होता है ना, इनवॉल्ट्री रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जैसे आपका आई का सामने कोई पार्टिकल आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो आई लिड होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो क्योंकि वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये मोटर रेस्पॉन्ड करता है, रैपिडली होता है। तो इसी पूरी वीडियो पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड रिफ्लेक्स आर कंपोनेंट्स एंड कितना नंबर ऑफ द सिनाप्स कितना फॉर्मेशन करता है, तो उसी बारे में देखेंगे इसी पूरी वीडियो पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन आप देख सकते हो, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन थ्री पार्ट में डिवाइड किया हूँ, जैसे सेंसरी, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ओके, तो इसी फिगर पे आप सब देख सकते हो, ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, ये होता है मोटर न्यूरॉन। ये दोनों के सेंसरी एंड मोटर के बीच में रहता है इंटर न्यूरॉन। ओके, तो आप देख सकते हो सेंसरी क्या होता है ना, सेंसरी रिसेप्टर टू CNS हो गया सेंसरी न्यूरॉन। देन इंटर न्यूरॉन क्या होता है, हमारा सेंसरी न्यूरॉन एंड जो मोटर न्यूरॉन होता है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है इंटर न्यूरॉन। ये एक्सिटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी हो सकता है। देन मोटर, मोटर क्या होता है ना, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन, जैसे अगर मसल फाइबर या ग्लैंड, तो ये होता है हमारा इफेक्टर ऑर्गन। ओके, देन देखेंगे कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क में आप देख सकते हो, जैसे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर क्या होता है, कोई सिग्नल जहाँ पे रिसीव करता है, जो वही ऑर्गन को कहते हैं रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर होता है द साइट ऑफ स्टिमुलस एक्शन, क्या होता है, जहाँ पे साइट पे स्टिमुलस एक्शन होता है इसी पे उसको बोलते हैं रिसेप्टर। देन कहते हैं अफरेंट, अफरेंट क्या होता है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द CNS एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है ना, इंटीग्रेशन सेंटर। तो स्पाइनल कॉर्ड होता है इंटीग्रेशन सेंटर, किसका बीच में रहता है, सेंसरी एंड मोटर का बीच में। देन इफेरेंट, इफेरेंट ये हो गया मोटर। देन इफेक्टर ऑर्गन होता है मसल या फाइबर, जहाँ पे हमारा कोई एक्शन शो करता है। ओके, तो इसी पे आप देख सकते हो, ये होगा वेंट्रल रूट, ये होगा वेंट्रल रूट एंड ये होगा डोर्सल रूट। ओके, डोर्सल रूट होता है क्या, सेंसरी, एंड वेंट्रल रूट होता है मोटर। और सेंसरी रूट पे एक गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया क्या होता है, द ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ CNS रहता है उसको गैंग्लिया बोलते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड ऑफ CNS तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। जितना हमारा सेंट्रल नर्वस के अंदर जितना पाथवे रहता है उसको बोलते हैं ट्रैक, एंड जो बाहर में रहता है, बाहर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो होता है नर्व फाइबर। ये दोनों चीज़ को याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ सिनाप्स, कितना सिनाप्स फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो क्लासिफिकेशन थ्री पार्ट में क्या हुआ है देख सकते हो, मोनोसिनाप्टिक, बाईसिनाप्टिक एंड पॉलीसिनाप्टिक। तो मोनोसिनाप्टिक क्या क्या होता है ना, सेंसरी, ये होगा सेंसरी एंड मोटर नर्वस न्यूरॉन होता है, जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन बीच में कोई इंटर न्यूरॉन फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन। तो ये होंगे मोनोसिनाप्टिक। ओके, तो बाईसिनाप्टिक क्या होता है ना, ओनली वन इंटर न्यूरॉन बीच में रहेगा, ओनली इंटर न्यूरॉन वन रहेगा, तो ये हो गया हमारा बाईसिनाप्टिक। एंड पॉलीसिनाप्टिक में क्या होता है ना, बहुत सारे रहते हैं, मीन्स मोर देन वन। तो इसी पे टू है, आप देख सकते हो वन हो गया, टू हो गया, टू टू इंटर न्यूरॉन है, तो वो हो गया हमारा पॉलीसिनाप्टिक। ओके, देन देख सकते हो मोनोसिनाप्टिक पे स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड बाईसिनाप्टिक में डीप रिफ्लेक्स एंड पॉलीसिनाप्टिक में सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। ओके, तो हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स में जाएगा टेंडल रिफ्लेक्स, नी जर्क इफेक्ट एंड अंकल जर्क इफेक्ट। ओके, देन सुपरफिशियल पे उसी तरह का देख सकते हो, प्लांटर रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड कंजक्टिवा रिफ्लेक्स। एंड डीप रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये दोनों सेम ही होता है क्योंकि नी जर्क इफेक्ट में दोनों डीप का भी यूज होता है एंड स्ट्रेच रिफ्लेक्स का भी यूज होता है, बाद में वो देखेंगे अलग एक फिगर पे देखेंगे। उसी तरह का आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्स होता है टू टाइप्स का होता है, रिफ्लेक्स टू टाइप होता है, एक होता है अनकंडीशनल, एक कंडीशनल होता है। आप देख सकते हो इंट्रिंसिक और एक्वायर्ड, मीन्स क्या होता है, ऑन कंडीशनल रिफ्लेक्स में जैसे इनबॉर्न क्वालिटी होता है, इनबॉर्न क्वालिटी जितना भी रहता है वो हो गया हमारा ऑन कंडीशनल रिफ्लेक्स। एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स में आपका खुद को स्किल डेवलप करना है, जैसे स्विमिंग करना है, ड्राइविंग करना है, ये सब होता है हमारा कंडीशनल रिफ्लेक्स पे, कंडीशनल रिफ्लेक्स। और उसी के
जैसे स्ट्रेस रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, उसी तरह का और एक रिफ्लेक्स होता है विसेरल रिफ्लेक्स। तो विसेरल रिफ्लेक्स क्या होता है ना, ओनली वन एंड, ओनली जैसे इसी पे टू एंड है तो ओनली वन एंड क्या होता है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी समझा दिया था जैसे पारा वर्टिब्रल गैंग्लियन एंड प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन, तो उसी पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक का यूज होता है। उसी तरह का इसी पे विसेरल रिसेप्टर हार्मोनल एक्टिविटी होता है। एग्जाम्पल है पुपिलरी रिफ्लेक्स एंड कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। एंड टाइप ऑफ न्यूरॉन, कौन सा टाइप का न्यूरॉन है, तो ये भी बहुत जरूरी है, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, तो आप देख सकते हो तो यूनिपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, इसे फोर टाइप्स हैं। एक है यूनिपोलर, बाईपोलर, सीडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर पे क्या होता है, ओनली वन एक्सन रहेगा, डेंड्राइट नहीं रहेगा। सी बाईपोलर पे वन एक्सन वन डेंड्राइट, देन सीडो यूनिपोलर पे ओनली जो सेंसरी आप देख सकते हो ये होगा सीडो यूनिपोलर, तो ये आउटर साइड पे रहेगा। ओके, तो पांच पे देख सकते हो ये हो गया आपका वन डेंड्राइट होता है, वन डेंड्राइट एंड आपका जो सेल बॉडी होता है जो साइड पे आता है। ओके, ये हो गया वन एक्सन। ओके, वन एक्सन वन डेंड्राइट, ये होगा सिनाप्स फॉर्मेशन करेगा। पोलर एंड मल्टीपोलर पे क्या होता है ना, मल्टीपल डेंड्राइट होते हैं, तो हमारा सेल बॉडी देन सेल बॉडी के साइड में मल्टीपल डेंड्राइट एंड वन एक्सन होता है, ये हो गया मल्टीपोलर। ओके, इसी फिगर पे देख सकते हो पहले क्या होता है, इसी पे क्या हुआ, हमारा सेंसरी आता है, सेंसरी डेंड्राइट है, डेंड्राइट सेंसरी रिसेप्टर, देन आएगा साइड पे क्या होगा सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ओके, देन सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन देन सिनाप्स फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, ये होगा एक बीच में रहेगा इंटर न्यूरॉन, राइट, ये होगा इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के बाद क्या आता है इफेक्टर, इफेक्टर इफोरेंट, ये होगा मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन रहता है, और इसी पे क्या होगा हमारा ग्लैंड या मसल फाइबर। ओके, ग्लैंड या मसल फाइबर, ये हो गया टोटल पाथवे। तो उसके बाद देखेंगे नी जर्क इफेक्ट, तो इसी पे आप देख सकते हो ये दोनों का नी जर्क इफेक्ट में, जो नी जर्क इफेक्ट होता है या अंकल जर्क टेंडन सब में क्या होता है टू सिनाप्टिक यूज होता है, जैसे मोनोसिनाप्टिक एंड बाईसिनाप्टिक। तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो नी जर्क इफेक्ट। ओके, तो नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, तो इसी फिगर पे देखेंगे। तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन कौन सा मसल और कौन कौन सा पार्ट इसी पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहले इसको लेग को देख सकते हो, ये होगा पैटेला बोन, और ये टिबिया फिबुला, फ्यूमरस, देन होता है सुपीरियरली क्या रहता है क्वाड्रिसेप फ्यूमरिस, एंड इन्फीरियरली मसल जो बैक साइड पे रहता है हैमस्ट्रिंग मसल कहता है बाइसेप फ्यूमरिस। ओके, क्वाड्रिसेप फ्यूमरिस एंड बाइसेप फ्यूमरिस, एंड ये होता है हमारा जो इनपुट, जो इनपुट होता है जो इम्पल्स इनपुट होता है, तो ये हो गया हमारा सेंसरी, एंड आउटपुट होता है मोटर, और मोटर टू होता है एंड इनपुट वन पाथवे होता है। तो इसी पे आप देख सकते हो डोर्सल रूट गैंग्लियन, डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, तो इसी पे टू सिनाप्स फॉर्मेशन करता है, जो हमारा सेंसरी रूट आता है टू सिनाप्स फॉर्मेशन करता है, तो इसी पे टू न्यूरॉन का इन्वॉल्व होता है। आप देख सकते हो ये होगा मोटर न्यूरॉन, डायरेक्ट उसी मसल से ही जाएगा जहाँ से हमारा जो सेंसरी इनपुट हुआ था, और एक क्या होता है ना इसी पे इंटर न्यूरॉन यूज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है वो इनहिबिटरी एंड एक्सिटेटरी दोनों फंक्शन करता है, तो इसी पे ओनली इनहिबिटरी एक्शन करेगा। देन उसके बाद देखोगे और एक जो मोटर न्यूरॉन होता है तो जाके नीचे वाला मसल को हो रहा है, क्योंकि इसी मसल को रिलैक्स करेगा एंड इसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी जाके ना वो फिर फ्रंट साइड होगा, मूविंग करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो ये एक्सटेंशन होगा, पहले फ्लेक्शन है तो इसी को क्या करता है उसको रिलैक्स करता है, और अपर वाला जो क्वाड्रिसेप फेमोरिस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एंटागोनिस्ट मसल ये होगा एगोनिस्ट। ओके, तो इसी पे आप देख सकते हो, तो इसी पे हम देख लेते हैं फिर से, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, पैटेला बोन पे हैमर पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लेग है फ्रंट साइड जाएगा, मींस ये एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन पे है, एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेंसरी इनपुट जाएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, फिर उसमें क्या होता है ना टू मोटर न्यूरॉन आएगा, वन डायरेक्ट उसी मसल को ही जाएगा, और दूसरा वाला होता है इंटर न्यूरॉन, ये इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा एंड इसी मसल को रिलैक्स कर देगा, एंड इसी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तभी जाके ये मूवमेंट करेगा। तो ये हो गया हमारा टोटल नेचर की इफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्सेस। आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे पीस।